नमस्कार, मैं नियाज खान। वाराणसी प्राचीन शहरों में से एक है। वाराणसी को महादेव की नगरी कहा जाता है, जहां की सुबह और शाम गंगा के घाटों पर एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जैसे हर शाम गंगा मैया सूरज को अपने गोद में सुलाती हो और सुबह को जगाती हो। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की हर रोज भीड़ लगी होती है। वाराणसी हमारे देश की संस्कृति को प्रस्तुत करता एक प्राचीन शहर है, जहाँ की गंगा जमुनी तहजीब पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं, लेकिन इन दिनों गंगा घाटों पर पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, जो गैर हिंदुओं के लिए चेतावनी बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो लोग जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग बताए जा रहे हैं। इन पोस्टरों पर लिखा है, वाराणसी के गंगा घाटों और धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। इतना ही नहीं, इन पर लिखा है, जिन लोगों की आस्था सनातन धर्म में है उनका स्वागत है, नहीं तो यह पिकनिक स्पॉट नहीं है। हमारे संवाददाता शिवम गुप्ता ने जब पोस्टर से संबंधित सवाल पूछा तो क्या जवाब मिला, आइए सुनाते हैं। महोदय माफ करिएगा, ये पोस्टर नहीं चेतावनी है, उन लोगों के लिए चेतावनी है जो हमारी अविरल माँ गंगा को पिकनिक स्पॉट का समझते हैं। इनको वो चेतावनी दी जा रही है कि यहाँ से वो दूर रहें, अगर वो दूर नहीं रहते हैं तो बजरंग दल उन्हें दूर कर देगा। आज का जो पोस्टर है वो पोस्टर नहीं, एक संदेश है गैर सनातन धर्मियों के लिए। गंगा के घाट मंदिर सनातन धर्म के प्रतीक आस्था के चिन्ह हैं, और हम उन्हें इन पोस्टर के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि वो हमारी सनातन संस्कृति के चिन्ह से दूर रहें। ये पिकनिक स्पॉट या घूमने फिरने की जगह नहीं। अगर उनका सनातन धर्म में आस्था हो तो आए, हम उनका स्वागत करते हैं, अन्यथा उनका अगर श्रद्धा में आस्था नहीं है तो हम उनको यहाँ से खदेड़ने का भी काम नहीं करें। ये घाट सभी का नहीं है, ये हिंदू संस्कृति की मूल धरोहर है, ये हिंदुओं का घाट है, ये सनातन धर्म का घाट है। इसमें गैर इस्लामियों, क्रिश्चनों का, अन्य किसी का कोई भी जगह नहीं है, ये हिंदुओं की संपत्ति है। हम हिंदुओं का स्वागत करते हैं, जिनका श्रद्धा हो सनातन धर्म में हम उनका स्वागत करते हैं, बाकी ये किसी की संपत्ति नहीं, ये भारतीय संस्कृति की धरोहर है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब काशी में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से इस तरह का काम किया गया हो। इससे पहले 25 दिसंबर को चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ, फिर 1 जनवरी को वाराणसी के मॉल और रेस्टोरेंट में बाहर पश्चिमी संस्कृति से जुड़ी पार्टी को सेलिब्रेट ना करने की चेतावनी वाले पोस्टर भी लगाए जा चुके हैं। वहीं अब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इस बार गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध वाला चेतावनी पोस्टर गंगा घाट किनारे पक्के घाटों और धार्मिक स्थलों की दीवारों पर चस्पा किया है। इन पोस्टरों पर साफ साफ लिखा है, जिन लोगों की आस्था सनातन धर्म में है उनका तो स्वागत है, नहीं तो अन्य का प्रवेश प्रतिबंधित है। तो विश्व हिंदू परिषद की ओर से लगाए गए इस पोस्टर पर आपका क्या कहना है? क्या गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।